गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशिकांत यादव शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल से आज आप लोगों को माई चाइल्डहुड, ठीक है, जिसको APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, यानी अपने जीवन के बारे में उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, उसका आज दूसरा वीडियो है, ठीक है। छठवें पैराग्राफ से मैं पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान से देखेंगे। देखिए कर्सर पे कहता, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में यानी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता था, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। हमारे कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। मैं एक कैप मतलब टोपी पहना करता था जो मुझे दर्शाती थी यानी कि मैं क्या हूँ, मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम, यानी मुझे मुस्लिम होना दर्शाती थी। And I always sat in the front row next to Ramnada Shastri. और मैं हमेशा, ठीक है, और मैं हमेशा रामनदा शास्त्री के दूसरे यानी बगल वाले पंक्ति में क्या करता था, बैठा करता था। कहता एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो, सामने वाली पंक्ति में, ठीक है, नेक्स्ट टू रामनदा शास्त्री हु ओर द सेक्रेट थ्रेड, जो पवित्र धागा पहने करते थे, मतलब पवित्र धागे से होता है जनेऊ, ठीक है, हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, उसी को कहता है। कहता है और मैं हमेशा अगली पंक्ति में रामनदा शास्त्री जो क्या करते थे, पवित्र धागा पहनते थे यानी जनेऊ पहने थे, उसी के बगल में यानी बराबर मैं क्या करता रहता था, बैठता रहता। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच ए हिंदू प्रीस्ट सन सीटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। कहता है नए अध्यापक एक हिंदू पुरोहित के लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़की का बैठना पचा नहीं पाया, यानी यह बात उनको पची नहीं, अच्छा नहीं लगा। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, ठीक है, कहते हैं कि इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, हमारी सामाजिक स्तर के अनुसार, हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, एज अ न्यू टीचर साइट, नए अध्यापक ने यह देखा तो क्या किया, आई वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और आई वाज आस्क्ड मुझसे कहे कि जाओ और पीछे वाले बेंच पर क्या करो, बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत ही दुखी महसूस किया, यानी मैं बहुत ही दुखी हुआ। एंड सो डिड रामनदा
शास्त्री, ठीक है। और कहता है एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, और इसलिए उससे भी यानी रामनाथ शास्त्री को भी दुख हुआ, मेरे जैसे ही दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई सिटेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। कहता द इमेज ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई सिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब मैं अंतिम पंक्ति पर गया यानी यहाँ से उठकर वहाँ गया, तो वह कैसा प्रतीत हो रहा था? दुखी प्रतीत हो रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वेन आई शिफ्टेड, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वेन आई शिफ्टेड, कहता है कि जब मैं शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, कहता है जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हुआ यानी वहाँ जाके जब मैं बैठा, उसके रोने की कल्पना, ठीक है, उसके रोने की कल्पना यानी इमेज मैंने चित्र भी होता है, चित्र मुझे क्या कर दिया, इम्प्रेशन ऑन मी, मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया। क्या प्रभाव डाला? आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वी वेंट होम, मतलब शाम के समय छुट्टी नहीं होती है, उसी के बाद हम लोग क्या गए, घर गए। एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, तो हम लोग अपने पेरेंट्स मतलब अपने गार्जियन अपने माता पिता से इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री अध्यापक को बुलाए। एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। कहते हैं कि एंड इन आवर प्रेजेंस, एंड इन आवर प्रेजेंस, टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और अध्यापक को उन्होंने बताया कि आपको अबोध बालक यानी जिसके पास उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, उतने ज्ञान वाले नहीं हैं, उन बच्चों के मस्तिष्क में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिक असहिष्णुता, ठीक है, उनका जहर उनके मस्तिष्क में फैलाना नहीं चाहिए। यानी जो अबोध बालक है, जो मतलब पढ़ने लिखे मतलब उतना ज्ञान नहीं है, उनके बारे में आपको इसी बातें नहीं बतानी चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोगाइज आर क्वाइट द सोशल एंड द हाइजलर, कहता और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अध्यापक से कहा आइदर अपोलोगाइज आर क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड, कि या तो आप क्या करो, क्षमा मांगो या फिर स्कूल और द्वीप को क्या करो तुम छोड़ दो। यानी आप क्या करिए, चाहे क्षमा मांगिए या इस स्कूल को और इस द्वीप समूह को छोड़कर आप चले जाइए।
not only did the teacher regret his behavior. अध्यापक न केवल अपने व्यवहार पे पश्चाताप किए बल्कि बट द स्ट्रांग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. बल्कि लक्ष्मण शास्त्री की धारणा का उनके यानी अध्यापक के ऊपर बहुत ही तीव्र प्रभाव पड़ा और वे लास्ट में अपने व्यवहार को विचार को सुधार लिए. यानी उनको उन्होंने क्या किया, अपनी बातों से सुधार दिया. देखिए, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कहते हैं ऑन द होल मतलब पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से यानी कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. कहते हैं रामेश्वरम का छोटा सा समाज क्या था, सामाजिक समुदायों के विभिन्न है ना, विभिन्न सोशल ग्रुप, विभिन्न डिफरेंट सोशल ग्रुप है ना, विभिन्न सामुदायिक सामाजिक समुदायों के अलगाव के माध्यम से. ठीक है, यानी अलगाव के मामले में बहुत ही क्या था, कठोर था. हाउएवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य आयर, फिर भी मेरे विज्ञान के टीचर शिव सुब्रमण्य आया दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. कहते हैं कि वे रूढ़िवादी ब्राह्मण और बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी वाले थे. वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, और कुछ कुछ विद्रोही भी थे. यानी वाज समथिंग ऑफ ए रेबल, और कुछ विद्रोही भी थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपुल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली. कहता है कि ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर, उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया. सो दैट पीपुल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली, जिससे कि विभिन्न अनेक वेरिंग विभिन्न बैकग्राउंड मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग एक दूसरे से आसानी से क्या करें, मिल जाएं. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want to you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कहते हैं कि वे he used to spend hours with me. वह घंटों मेरे साथ समय बिताते थे. एंड वुड से कलाम, और कहा करते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ हाईली एजुकेटेड पीपुल ऑफ द बिग सिटीज. मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, विकास करो, क्योंकि दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपुल ऑफ द बिग सिटीज.
और तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों में क्या करो, स्टैंड करो, खड़े हो सको, यानी उनके साथ बराबरी कर लो। आगे देखेंगे नौवां पैराग्राफ। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील, एक दिन वह मुझे अपने घर भोजन के लिए इन्वाइट किए, निमंत्रित किए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। कहते हैं कि हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उनकी पत्नी, हॉरिफाइड मैंने भयभीत, कहते हैं कि उनकी पत्नी अपने धार्मिक, अपने धार्मिक विधि विधान से क्या था, पवित्र, ठीक है, प्योर मतलब पूर्ण, अरे शुद्ध यानी पवित्र रसोई घर में भोजन के लिए एक मुस्लिम लड़के को इनवाइट किए करना यानी आमंत्रित किए जाने पर वह क्या हो गई, बहुत ही भयभीत हुई। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने अपने किचन में, अपने रसोई घर में, अपने रसोई घर में मुझे खाना परोसने से यानी खाना देने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्या आयर वाज नॉट परटर्ब्ड, शिव सुब्रमण्या आयर परेशान नहीं हुए यानी उनको खराब नहीं लगा, बल्कि क्या कि नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और ना ही अपनी पत्नी से दुखी हुए। कहता कि नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और ना ही अपनी पत्नी से दुखी यानी क्रोधित भी नहीं हुए। बट इंस्टीड, बल्कि इसके बजाय सर्वड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और बल्कि क्या किए, उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा और मेरे बगल में भोजन करने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी रसोई घर के दरवाजे से पीछे से क्या कर रही थी, झांक रही थी यानी देख रही थी हम लोगों को। आई वंडर्ड वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर आर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, ठीक है। मैं वंडर, उन्हें आश्चर्यचकित होना, वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे एट राइस, ड्रिंक वाटर आर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। कहता है कि जिस तरह से मैंने क्या किया, जिस तरीके से चावल खाया, ड्रिंक वाटर पानी पिया, आर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और भोजन के बाद, भोजन करने के बाद मैंने फर्श को जिस तरह से साफ किया, उन्होंने क्या किया, उनमें से मतलब उन्होंने उसमें कुछ फर्क पाया, अंतर पाया। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ने लगा यानी उनके घर से जाने लगा, शिव सुब्रमण्या आयर, शिव सुब्रमण्या आयर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, मतलब गुरुजी यानी शिव सुब्रमण्या आयर मुझे अगले सप्ताह पुनः
रात्रि भोजन के लिए मुझे बुलाया, यानी निमंत्रण दिया। अगले हफ्ते में मुझे उन्होंने क्या किया, पुनः बुलाया। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। मेरे संकोच को देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान मत हो, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, ठीक है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, ये तो पूरा इसी में रहेगा कि उन्होंने क्या मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम सिस्टम को, तरीके को क्या करो, बदलने का फैसला कर लो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रॉन्टेड, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रॉन्टेड। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस टू और हाउस द नेक्स्ट वीक, कहता है कि समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, सच ऐसा ऐसे समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जब मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य आयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड। शिव सुब्रमण्य आयर की पत्नी मुझे अपने किचन में, यानी रसोई घर में ले गई और मुझे अपने हाथों से भोजन परोसा। देखेंगे दसवां पैराग्राफ। देन द सेकेंड वार वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट। जब दिन में तब होता है, तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट और भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, यानी बनाना चाहते थे, बनाएंगे। इंडियंस वुड विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया, यानी स्पष्ट घोषणा कर दिया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रीसीडेंटेड ऑप्टिमिज्म। सारा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने का आदेश मांगा, यानी आज्ञा मांगा। एंड स्टडी और स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के मतलब जिले के मुख्यालय पर अध्ययन करने का आदेश लिया, यानी उनसे कहा। आगे देखिए, He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. कहता he told me as if thinking aloud, उसने सोचते हुए, यानी मेरे पिताजी ने सोचते हुए मुझसे कहा, aloud जोर से मतलब तेज आवाज में कहा, Abul, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ कि तुम्हें, यानी तुम
उन्नति करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हो? डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? कहते हैं डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट? कहते हैं क्या सामुद्रिक यानी एक पक्षी है सीगल, उसी के बारे में, क्या सामुद्रिक बिना घोंसले के सुर के पार नहीं उड़ता, यानी उस पार नहीं जाता, अकेले सूर्य के पार नहीं उड़ता? ही वोटेड खलील गिब्रान टू माई असिस्टेंट मदर। ही क्वोटेड खलील गिब्रान टू माई असिस्टेंट मदर। उसने यानी उन्होंने मेरे पिताजी ने संकोच, मेरी संकोच करती माता खलील गिब्रान को उद्धृत किया, यानी उनसे कहा योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे नहीं है। दे आर सन्स, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉगिंग फॉरेस्टर। वे जीवन के स्वयं के, ठीक है, जीवन के स्वयं के पुत्र और पुत्रियां हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो, अपना विचार नहीं दे सकती हो। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो किंतु अपना विचार नहीं दे सकती। फार दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार। ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं अगला लेसन पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।